एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में नैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नैना अभी 5 साल की थी और उसके माता पिता उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। आज गांव में मेला लगा था, इसलिए नैना का दिल मेला देखने का कर रहा था। पूरा परिवार एक साथ मेला देखने जाता है, मेले में बहुत एंजॉय करते हैं। तभी नैना की माँ जानकी वह कुछ सामान खरीदने के लिए अपने पति और नैना से दूर जाती है, तो वह देखती है कि एक डस्टबिन के पास नैना के बराबर एक लड़की जोर जोर से रो रही है। अरे बिटिया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम गुम हो गई हो? चलो मैं तुम्हारे माता पिता से मिलवाती हूँ, तुम पहचान कर लेना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं आंटी जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। मैं तो बस अपनी चाची को जानती हूँ, वह मुझसे इतनी छोटी से बहुत ज्यादा काम कराती थी। बर्तन धोते समय मुझसे उनका ग्लास टूट गया, जिसकी सजा उन्होंने मुझे यह दी। मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, 3 दिन हो गए अभी तक लेने नहीं आई, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख लगी है। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? पता नहीं मेरा क्या नाम है, लेकिन चाची तो मुझे काली कलूटी कहकर पुकारती हैं, क्योंकि मेरा रंग काला है। इस वजह से आंटी बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। उस लड़की की बातें सुनकर जानकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ भी क्या इतना अत्याचार कर सकता है? किसी का दिल इतना भी पत्थर का हो सकता है कि वह इतनी छोटी बच्ची को इतनी बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर जा सकता है? जानकी का दिल बहुत नरम था, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए वह उस लड़की को अपने साथ रखने का फैसला करती है और उसका नाम काव्या रखती है और अपनी बेटी नैना से मिलाती है। काव्या को देखते ही नैना गुस्से से लाल पीली हो जाती है। मम्मी मम्मी, आप किस काली लड़की को उठाकर लेकर आई हैं? मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी, इसे देखकर मुझे डर लग रहा है। नैना मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं कहते, बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे देंगे तो कितना अच्छा रहेगा, और वैसे भी बेटा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत होती है। नैना काव्या से बहुत चिढ़ती थी, वह बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती, उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, उसके ऊपर हंसा करती थी। इसी तरह नैना और काव्या दोनों बड़ी हो जाती हैं। एक दिन जानकी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, नैना और काव्या मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है ना? काव्या बेटा मैं तुम्हारे लिए किस कलर की ड्रेस लेकर आऊँ, और नैना बेटा तुम्हारे लिए किस कलर की, चलो जल्दी बताओ। मम्मी आप किस काली कलूटी से पूछ रही हैं? यह जो भी पहन लेती है उसमें लगती तो बस सूरत की बस सूरत ही है, सुंदर तो नहीं हो जाती। लेकिन मम्मी जी मैं तो आपसे कहती हूँ इसके लिए ब्लैक ड्रेस खरीद कर लेकर आ जाना, जिसे पहनकर ये काली चुड़ैल लगेगी, चुड़ैल। शादी में सब इससे डर कर भाग जाएंगे। नैना हमेशा तुम काव्या का मजाक उड़ाती रहती हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहो, और वैसे भी रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है, अगर उसने काव्या को ऐसा बनाया और तुम्हें ऐसा, तो इसमें काव्या का क्या दोष? और वैसे भी इंसान की असली सुंदरता उसके स्वभाव से होती है, और काव्या बेटिया का दिल बिल्कुल साफ है, इसलिए काव्या बस सूरत नहीं है, समझ में आ रही है? और आज के बाद मैं इस तरह से काव्या का मजाक उड़ाते हुए ना देख लूं, समझ में आ रही है? ओफो मम्मी, आप तो मुझे इस काली कलूटी बहन जी की वजह से ऐसे डांट रही हैं जैसे कि मेरी सगी बहन हो। पता नहीं आप इसे कचरे के डब्बे से क्यों उठाकर लेकर आ गई, इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होती है आपको अंदाजा भी है? मैं कहाँ अप्सरा से सुंदर और ये कहाँ? खैर छोड़ो, आप मेरे लिए एक सुंदर व्हाइट गाउन लेकर आ जाना, जिसे पहनकर मैं बिल्कुल परियों की तरह सुंदर लगूंगी। जानकी अपनी दोनों बेटियों के लिए शॉपिंग करने चली जाती है, और जब जानकी शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी तो वह एक पत्थर से टकरा जाती है, जिस वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है, और वह किसी तरह अपने घर वापस आ जाती है। अपनी माँ को जख्मी देखकर काव्या कहती है, माँ यह आपको क्या हो गया? मैं अभी आपके लिए हल्दी का दूध लेकर आती हूँ, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लग गई। अरे बिटिया
ज्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अब तुम दोनों को ही शादी में जाना होगा। माँ यह आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपको चोट लगी है, नैना तुम तैयार हो जाओ और तुम शादी में चली जाओ, मैं यहीं रहूंगी मम्मी के पास। आज तूने पहली बार कोई अच्छी बात की है, वरना तो मुझे डर लग रहा था कि तू मेरे साथ जाएगी तो शादी में मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी, अब मैं शादी में एंजॉय कर सकती हूँ, मुझे तेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं होगी, ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। नहीं काव्या, तुम्हारे पिता हैं यहाँ मेरे पास, सुजाते ने कहा है कि तुम्हें भी आना है, इसलिए तुम दोनों जाओगी, ठीक है। जानकी की यह बातें सुनकर नैना गुस्से में आ जाती है और वह तैयार होने लगती है। काव्या अपनी माँ को मना नहीं कर पाती और वह भी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। काव्या और नैना दोनों ही शादी में चली जाती हैं। शादी में जाते ही काव्या का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अरे देखो देखो, एक इतनी ज्यादा सुंदर और दूसरी इतनी ज्यादा बदसूरत। कहते हैं कि रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमारे सामने तो दिन और रात दोनों एक ही साथ हैं। अरे यार, इस शादी में इस बदसूरत लड़की को किसने इनवाइट किया, पूरी शादी में ग्रहण ही लगा दिया, इतनी ज्यादा बदसूरत लड़की पूरी शादी में कोई नहीं है। देख रही है काली कलूटी, तेरी वजह से सब मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर कैसे हंस रहे हैं, अगर तू मेरे साथ नहीं आती तो मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही होती, इस तरह से मुझ छुपाकर इधर उधर नहीं घूम रही होती। पता नहीं मम्मी को तेरे अंदर क्या नजर आता है, जब देखो तेरी तारीफ करती रहती है, मम्मी के सिवा और कोई तुझसे प्यार नहीं करता। जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी नर्क बना दी, काली कलूटी मनहूस। नैना तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, यहाँ सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें परियों की तरह सुंदर अप्सरा जैसी बता रहे हैं, और मुझे अमावस की रात काली कलूटी चुड़ैलों की टोली में जाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम्हें मेरे यहाँ होने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बाहर जा रही हूँ और मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम यहाँ पर शादी एंजॉय करो, यहाँ सुंदर लोगों के बीच मुझ जैसी बदसूरत लड़की का इस शादी में क्या काम। ऐसा कहकर काव्या रोते हुए बाहर आ जाती है और एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ कहती है कि दिल सुंदर होना चाहिए, बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मैंने जो देखा उससे तो यही पता चलता है कि किसी को भी दिल की सुंदरता पसंद नहीं आती, सबको बाहरी ही सुंदरता पसंद आती है, मेरे रंग की वजह से सब मुझसे दूर दूर रहते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि काला होना बदसूरत होना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। इस तरह से काव्या बहुत ज्यादा रो रही थी और ऊपर वाले से शिकायत कर रही थी कि तभी उसे एक पेड़ के रोने की आवाज आती है। काव्या उस पेड़ के पास जाती है तो वह बहुत ज्यादा प्यासा था, काव्या उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी पिलाती है और उसके आसपास की सफाई भी करती है, तभी वह पेड़ काव्या से कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी मदद की, एक प्यासे पेड़ को पानी पिलाया, वरना मैं कब से सबसे विनती कर रहा था, मुझे पानी पिला दो, लेकिन किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया और तुमने तुरंत मुझे पानी पिलाया, मेरे आसपास की सफाई की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पेड़ की जड़ के नीचे एक जादुई लिपस्टिक की चक्की है, उसे निकालो। काव्या पेड़ की बात मानकर जैसे ही उसके जड़ की खुदाई करती है तो उसे जादुई लिपस्टिक की चक्की मिल जाती है जो बहुत ही ज्यादा चमचमा रही थी, जिसे देखकर काव्या चौंक जाती है, तभी वह पेड़ काव्या से कहता है, काव्या यह जादुई लिपस्टिक की चक्की है और यह जादुई लिपस्टिक की चक्की सिर्फ अच्छे लोगों के ही काम आती है, इसलिए तुम तीन बार इसे घुमाओ तो तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक मिलेगी जिसे लगाकर तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और उसके बाद कोई भी तुम्हारे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा। सच में पेड़ ऐसा हो सकता है, यह जादुई लिपस्टिक की चक्की मुझे जादुई लिपस्टिक देगी जिसकी मदद से मैं सुंदर हो जाऊंगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, फिर सब मुझसे बात करेंगे, मुझसे कोई दूर नहीं जाएगा, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और माँ को भी मेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं होगी और नैना भी मुझे अपनी बहन मान लेगी, वैसे मेरे रंग रूप की वजह से मुझसे नफरत करती है। ऐसा कहकर काव्या
जादुई लिपस्टिक की चक्की को 3 बार घुमाती है तो उसे जादुई लिपस्टिक मिल जाती है, जिसे लगाकर वह बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर काव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह पेड़ और जादुई लिपस्टिक की चक्की को धन्यवाद कहकर घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ और नैना को जादुई लिपस्टिक के बारे में बताती है। जानकी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन नैना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलती है। जब ये काली कलूटी इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो पता नहीं कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मैं अपनी आंखों के सामने इस काली कलूटी को इतनी ज्यादा सुंदर नहीं देख सकती, यह मेरे बराबर में खड़ी नहीं हो सकती। कचरे के डब्बे से आई हुई लड़की, मुझे यह जादू लिपस्टिक लगानी होगी। ऐसा सोचकर रात हो जाने के बाद नैना काव्या के रूम में जाती है और जादुई लिपस्टिक चुराकर अपने रूम में आ जाती है और जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है और बहुत ज्यादा जोर जोर से रोती है। नैना के रोने की आवाज सुनकर काव्या और जानकी उसके पास आती हैं। तभी काव्या नैना से कहती है, नैना मेरी प्यारी बहन, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। यह जादुई लिपस्टिक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है जिनका मन साफ होता है, जिनके मन में खोट होता है और जो लालच के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ यह ऐसे ही करती है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। ये जादुई लिपस्टिक चाहे तो तुम मेरा रंग रूप वापस ले लो, लेकिन मेरी बहन को पहले की तरह सुंदर कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से नैना को उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो मैंने किया है। काव्या की यह बातें सुनकर नैना के आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं और वह काव्या से माफी मांगती है। काव्या तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मम्मी ठीक ही कहती है, इंसान की असली सुंदरता उसके दिल से होती है, रंग रूप कुछ नहीं होता। काव्या मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। नैना काव्या से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले जैसी सुंदर हो जाती है। यह देखकर काव्या बहुत खुश होती है और जानकी भी। इस तरह काव्या जादुई लिपस्टिक की चक्की की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में सुजाता अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में एक झोपड़ी में रहा करती थी। सुजाता की 2 लड़कियां थी, टीना और मीना, और एक 5 साल का बेटा था। कुछ समय पहले ही सुजाता के पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तभी से सुजाता के ऊपर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और सुजाता अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए गांव में झाड़ू पोंछा करने जाया करती थी और वहां से उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपने बच्चों का पेट भरा करती थी। ऐसे ही एक दिन जहां पर सुजाता काम किया करती थी, वहां की मालकिन सुजाता से कहती है, सुजाता सुजाता यहाँ पर आओ, एक बार में तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। पता नहीं तुम जैसे नौकर भी किस तरह से काम करते हो, एक एक काम तुमसे कहकर करवाना पड़ता है। तुम्हें पता है ना, आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कोई कमी हो, कहीं पर भी कोई गंदगी हो। घर को दुल्हन की तरह सजा दो और कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मालकिन सुबह से मैं पूरे घर की सफाई ही कर रही हूँ, अब तो मेरा घर जाने का समय हो गया, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और मालकिन आज तो आपको मुझे सैलरी भी देनी थी, घर में राशन खत्म हो रहा है, राशन भरना है, मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, मुझे पैसे दे दीजिए। छी छी, तुम जैसे नौकर बस 24 घंटे हाथ फैलाते रहते हो, मालकिन पैसे दे दो, मालकिन पैसे दे दो, इतना सारा काम है वह कौन करेगा। वैसे भी पैसे मिल जाएंगे, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, बाहर गार्डन की अच्छी तरह सफाई करो और उसे सजाओ, उससे पहले तुम घर नहीं जाओगी, समझ आ रही है या नहीं। बेचारी सुजाता वह क्या कर सकती थी, अपने मालकिन की गुलाम थी, उसे वहाँ पर रुकना पड़ता है और वह बाहर गार्डन की सफाई करती है, उसे दुल्हन की तरह सजा देती है, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, मालकिन की बेटी भी तैयार होकर आ जाती है, 12 बजने वाले होते हैं। सुजाता अपने मालकिन के पास बार बार पैसे मांगने जा रही थी, लेकिन वह उसे पैसे देने से मना कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ घर पर 3 बच्चे अकेले अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। दीदी दीदी, मम्मी को कितना ज्यादा टाइम हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं आई, बहुत तेज भूख लग रही है, आप ही कुछ बनाकर खिला दीजिए दीदी। राहुल,
मेरे प्यारे छोटे भाई, घर में तो कुछ भी नहीं है, सभी कुछ खत्म हो चुका है। मम्मी को आज सैलरी मिलेगी तभी वो राशन लेकर आएंगी, लेकिन पता नहीं आज मम्मी को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। राहुल तुम थोड़ा पानी पी लो। टीना, क्या कोई मम्मी ऐसा भी करती है? मम्मी को आज अच्छी तरह से पता था कि घर में राशन नहीं है, फिर भी आज उन्होंने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया। उन्हें पता है कि हमारा घर जंगल के बीचों बीच है, कोई माँ अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे आराम से रह सकती है? जंगल से कैसी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मम्मी कहाँ पर सैर सपाटा कर रही है। मीना, तुम होश में भी हो या नहीं? मम्मी के बारे में क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? मम्मी सैर सपाटा कर रही होंगी, तुम्हारा दिमाग ठीक भी है या नहीं? मम्मी हमारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती है, पूरा दिन दूसरों की गुलामी करती है और वहाँ से आ जाने के बाद अपने बच्चों का ख्याल रखती है। आज उन्हें थोड़ा टाइम बाहर क्या हो गया, तुम उन्हें बातें सुना रही हो? तुम्हें मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी टीना, वो बस गुस्सा आ रहा था इसलिए बोल दिया। टीना राहुल को पानी पिलाकर सुला देती है और दोनों बहनें अपनी माँ का इंतजार करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजाता की मालकिन अपनी बेटी का बर्थडे पार्टी एंजॉय करने में लग रही थी। वह सुजाता की एक नहीं सुनती। बेचारी सुजाता सभी मेहमानों को अटेंड कर रही थी। कुछ समय बाद मालकिन की बेटी अपने जन्मदिन का केक काटती है, तभी सुजाता वहाँ से निकल रही थी और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह केक के ऊपर जा गिरती है, सारा केक खराब हो जाता है। यह देखकर मालकिन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वह सुजाता को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, दो टके की नौकरानी, तूने मेरी बेटी का बर्थडे पार्टी खराब कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तेरी सैलरी नहीं दे रही थी। तूने यह सब कुछ जानबूझकर किया है ना? तुम जैसे गरीब नीच लोग ऐसे ही करते हो। तुमसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि तुम तो कभी अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते नहीं। तुमसे मेरी बेटी की खुशियां देखी नहीं जा रही थी, तुमने ये सब कुछ खराब कर दिया, इसकी सजा तुम्हें अच्छी तरह मिलेगी। मालकिन, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो तो सुहाना बिटिया अपना फोन मंगा रही थी, बस वो लेने जा रही थी, तभी मेरा पैर स्लिप हो गया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन कभी किसी की खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती। मम्मी, यह गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, पहले गलती करते हैं और उसके बाद गिड़गिड़ाकर माफी मांग लेते हैं। लेकिन आप इसे बिल्कुल भी माफ मत कीजिए, इसे अभी के अभी नौकरी से निकाल दीजिए, हमें ऐसे नौकरों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। सुन सुजाता की बच्ची, तुझे मेरे यहाँ काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे यहाँ से, और तुझे तेरी सैलरी की एक फुटी कौड़ी नहीं मिलने वाली क्योंकि तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मालकिन, मालकिन, गरीब के ऊपर थोड़ा रहम करो, मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि माँ आएंगी तो हम खाना खाएंगे, मैं मेरे बच्चे को क्या जवाब दूंगी मेरी मेहनत के? मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो, गरीब के पेट पर लात मत मारो। मालकिन, मालकिन, मुझे मेरे पैसे दे दो। सुजाता अपने मालकिन के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और उसकी मेहनत के उसे एक भी पैसा नहीं देती और धक्के मारकर उसे निकाल देती है। बेचारी सुजाता रात के अंधेरे में खाली हाथ उदास रोते हुए अपने घर की तरफ आ रही थी कि तभी उसके साथ एक और हादसा हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सुजाता खून में लहूलुहान किसी तरह अपने घर पहुँच जाती है। अपनी माँ की यह हालत देखकर उसकी बेटियाँ घबरा जाती हैं। मम्मी, मम्मी, यह आपको क्या हो गया? आपके शरीर से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, यह सब कैसे हुआ? मम्मी लाइए, मैं आपका खून साफ कर देती हूँ और पट्टी भी कर देती हूँ। टीना जल्दी से अपनी माँ के जख्म साफ करती है, उनके हाथ पैरों पर पट्टियाँ करती है। तभी सुजाता अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, मैं राशन नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे सैलरी नहीं मिली और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। कल पता नहीं क्या होगा, राहुल मेरा मासूम बच्चा भूखे मारे तड़प तड़प कर सो गया होगा। एक नौकरी इतनी मुश्किल से मिली थी और वो भी हाथों से चली गई। अब मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे करूँगी? मैं तो माँ कहलाने लायक भी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मम्मी, यह आप क्या कह रही हैं? जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं तब से आपने रात और दिन मेहनत कर हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आप कह रही हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया।
आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आपकी बेटियां जिंदा हैं और अब वह बड़ी हो चुकी हैं। आपको चोट लगी है, आप आराम कीजिए। कल सुबह हम दोनों बहन काम ढूंढने जाएंगे और देखना, कोई ना कोई काम हमें जरूर मिल जाएगा। आप परेशान मत होइए माँ। ऐसा कहकर टीना और मीना अपनी माँ को दिलासा देती हैं और सभी पानी पीकर भूखे पेट सो जाते हैं, क्योंकि घर में तो राशन था ही नहीं। सुबह हो जाने के बाद टीना और मीना काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं और उन्हें एक शोरूम पर काम मिल भी जाता है। दोनों बहन शोरूम पर मन लगाकर काम करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक वह काम करती रहती हैं और उसके बाद टीना और मीना को उनके काम करने के पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलने की वजह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश थी। टीना, मम्मी कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी कि काम मिलेगा भी या नहीं। देखो, हम दोनों को काम मिल भी गया। टीना, हमारे शोरूम की मालकिन कितनी अच्छी थी, हमें आज के आज पैसे भी दे दिए। अब हम इन पैसों का राशन लेकर जाएंगे, मम्मी की दवाइयाँ लेकर जाएंगे। मम्मी कितनी ज्यादा खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ मीना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, माँ खुश तो हो जाएंगी। दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक औरत दो बच्चों के साथ एक सड़क किनारे बैठे मिलती है और वह टीना और मीना से कहती है, प्यारी बेटियों, मेरी मदद करो, मेरी यह दोनों मासूम बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और इन्होंने बहुत समय से कुछ खाया भी नहीं। मैं कब से लोगों से मदद की भीख मांग रही हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा। कृपया करके तुम ही मेरी मदद कर दो। मेरे बच्चों ने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वह बीमार हो गए। मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दो। नहीं नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम्हें पता है सुबह से लेकर शाम तक हमने गधों की तरह काम किया है, तब जाकर हमें पैसे मिले और उनका हम राशन लेकर जा रहे हैं। हमारा भी घर पर एक मासूम भाई और बीमार माँ है, हम उनकी दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। हम आपकी मदद नहीं कर सकते, किसी और से मदद मांगिए। चल टीना, देर हो रही है। मीना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है जब भूख लगती है तो कैसा लगता है। और इन मासूम बच्चों की तरफ देखो, इन्होंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। अगर हम इन्हें अपने हिस्से का खाना दे देते हैं तो हम कल दोबारा से पैसे कमाकर खा लेंगे। अगर हम एक समय भूखे रह जाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। टीना, हमेशा तेरी ये समाज सेवा करने की आदत जाएगी नहीं। कभी हमारी किसी ने मदद की है जो हमेशा तो दूसरों की मदद करने के लिए आगे खड़ी रहती है। पहले भी तूने अपने चप्पल दे दिए थे, जिस वजह से तेरे पैरों में कांटा चुभ गया, क्योंकि तुझे चप्पल पहनने के लिए नहीं मिले थे। हमेशा अपने से पहले दूसरों की मदद करती है। मैं तो अपने हिस्से का खाना नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तुझे देना है तो तू दे दे। मीना अपने हिस्से का खाना देने के लिए मना कर देती है और टीना तुरंत खाना दे देती है। जैसे ही वह अपने हिस्से का खाना देती है, वह औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और उसके दोनों बच्चे भी। यह देखकर टीना और मीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी वह परी टीना से कहती है, मैं सिंड्रेला परी हूँ, परियों की रानी परी, लेकिन मुझे इस तरह से रूप बदल कर आना पड़ा क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एक चुड़ैल ने मेरी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी पर कब्जा कर लिया है। अगर उसने मेरी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी पर काला जादू कर दिया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आप तो सिंड्रेला परी हैं, फिर आप उस चुड़ैल से क्यों नहीं लड़ सकती? आप हमसे मदद क्यों मांग रही हैं? हम तो गरीब आम इंसान हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? टीना, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, लालची नहीं हो। और उस चुड़ैल को ऐसा ही इंसान मार सकता है जिसके अंदर खोट ना हो। टीना, कृपया करके मेरी मदद करो, वरना मेरे बच्चे, सभी परियां, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरे जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदियां, उन्हें बचा लो और हम सबको भी। टीना से सिंड्रेला परी का यह दुख देखा नहीं जा रहा था और वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वह सिंड्रेला परी के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है। और वहां जाकर देखती है तो सिंड्रेला परी की जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी पर वह चुड़ैल काला जादू कर रही थी। तभी टीना समझदारी से काम लेती है और उसका जादुई गोला उठाकर उससे कहती है, चुड़ैल, अगर तूने सिंड्रेला परी की जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी पर काला जादू किया तो मैं तेरा यह जादुई गोला तोड़ दूंगी। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरी सारी काली शक्तियाँ इसके अंदर है। अगर यह गोला टूट गया तो तेरी काली शक्तियाँ भी चली जाएंगी और तू भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी।
बेवकूफ लड़की, तू सिंड्रेला परी की बातों में आ रही है। वह तुझे कुछ भी नहीं देने वाली, वह तो फ्री में तुझसे अपना काम करवाना चाहती है। देख, अगर तू मेरी बात मान लेती है तो मैं तुझे सिंड्रेला परी के जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी में से सोने का फ्रॉक दूंगी, जिसकी मदद से तू माला माल हो जाएगी। मेरा जादुई गोला मुझे वापस कर दे। तो मुझे लालच देने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेरी यह कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं लालच नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ लालच बुरी बला होती है, और मैं तुझे सिंड्रेला परी को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। देख, तेरे पास अभी भी समय है, वहाँ से दूर हट जा, वरना मैं तेरे जादू गोले को तोड़ दूंगी। चुड़ैल टीना की बातें सुनकर घबरा जाती है, और वह सिंड्रेला परी की जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी के पास से दूर हट जाती है। तभी वहां पर सिंड्रेला परी आती है और अपनी जादुई छड़ी से उसे जल्दी से गोले के अंदर कैद कर उसे बहुत दूर पहुंचा देती है। और उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी के अंदर से जादुई सोने का फ्रॉक निकालती है और टीना को देते हुए कहती है, सच में टीना, तुम जैसे इंसान दुनिया में कम ही पाए जाते हैं। तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, तुम चुड़ैल के लालच में नहीं आई, और तुमने मेरे बच्चों को और परियों को बचा लिया, और मेरी जादुई सोने और चांद की फ्रॉक की नदी को भी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये है लो मेरा जादुई सोने का फ्रॉक, ये तुम्हें हमेशा सोने के सिक्के देता रहेगा, जिसकी मदद से तुम अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो। सिंड्रेला परी की बातें सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है, और वह जादुई सोने का फ्रॉक लेकर अपने घर आ जाती है, और जादुई सोने के फ्रॉक से बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ का इलाज करवाती है, जिस वजह से सुजाता कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है, और सब एक साथ महल जैसे घर में रहते हैं, और सुजाता अपना एक बिजनेस भी शुरू कर लेती है। टीना और मीना, राहुल अब सब स्कूल जाने लगते हैं। उनकी जिंदगी में सिंड्रेला परी की जादुई सोने और चांद की फ्रॉक की नदी की वजह से खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं।